हमारे बुक स्टोर में आइएगा जरूर। एक भी कस्टमर नहीं आ रहा। तुम वहाँ गई थी? हाँ, मैं वहाँ स्टेशन के पास कैफे बुक स्टोर में गई थी। उसे बुक कैफे कहते हैं। वहाँ कैफे और बुक स्टोर दोनों है। और वो अंदर से बहुत आरामदायक है। वहाँ बैठकर कॉफी पीते पीते लोग किताबें भी पढ़ सकते हैं। किताब खरीदे बिना पढ़ सकते हैं? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। नहीं, बुक स्टोर में किताबें खरीदे बिना उन्हें पढ़ने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। ऐसी जगह को बुक स्टोर कैसे कह सकते हैं? मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन हमें समय के साथ बदलना पड़ता है। कस्टमर नहीं है इसलिए आपस में बात कर रही है। हाय, कितने दिनों बाद बुक स्टोर में आया हूँ। Por supuesto. Bellezas semanales. Es un libro para niños. Trae. कहानी की किताबें वहाँ उस तरफ हैं। मिस नाकामुरा, भले ही वो एक बच्चा है, लेकिन इस वक्त वो हमारा कस्टमर है। पापा me ha pedido que le compre una, pero no sé cuál. देखो उसे। जरा सुनिए, मेरे डैड कौन सी वाली मैगजीन पढ़ते होंगे? ये मुझे कैसे पता होगा? मिस नाकामुरा, बुक ढूंढने में मदद करो। जी बिल्कुल। तुम्हारे डैड ने तुम्हें कौन सी मैगजीन के बारे में बताया था? ये वाली या फिर ये वाली मैगजीन? ये वाली, देखिए। ऐसा? वाह, वाया, के इंटरेसेंटे, बोनिटा पोसे। Y esta también está bien. सुनो बच्चे, सच बताओ, तुम्हारे डैड ने तुम्हें भेजा है? हाँ, मुझे डैड ने भेजा है, बस मैं आते वक्त मैगजीन का नाम पूछना भूल गया था। ये बहुत सारी किताबें पढ़ रहा है, मैं क्या करूँ? हाँ, हमेशा की तरह समय गिनना शुरू करो। जी बिल्कुल। मैम, मैंने 3 मिनट का समय सेट कर दिया है। 3 मिनट पूरे होते ही उसे यहाँ से बाहर निकालो। जी बिल्कुल। यहाँ कोई कस्टमर नहीं है, इसीलिए आप मुझे किताब पढ़ने पर डांट नहीं रही है ना? ऐसा कुछ नहीं है। सुनो दोस्तों, मैं यहाँ बुक स्टोर में हूँ, तुम लोग भी जल्दी आ जाओ। क्या? प्लीज अंदर आ जाओ, माफ करना थोड़ा सा गंदा है। तुम्हें कहना चाहिए खाली है। कितने दिनों बाद मैं बुक स्टोर में आया हूँ। हम बहुत दिनों से बुक स्टोर में नहीं आए थे ना? सही कहा, मुझे जो भी किताबें लगती हैं डैड सब ऑनलाइन ही मंगवाते हैं। मेरे यहाँ भी यही होता है। मेरे यहाँ भी यही होता है। ये बच्चे हमारे स्टोर को नुकसान पहुँचा सकते हैं, हमें सावधान रहना होगा। वो सिर्फ बच्चे हैं, तुम बस उन पर अपनी नज़र बनाए रखो। आप सबका स्वागत है, यहाँ पर कितने अलग अलग तरह की किताबें हैं, आप लोगों की मनपसंद किताबें यहाँ मिल जाएंगी। वैसे बुक स्टोर बहुत ही अच्छा होता है, यहाँ अलग अलग तरह की किताबें मिलती हैं, लेकिन मेरे पसंद की यहाँ एक भी किताब नहीं है। मेरी पसंद की भी यहाँ एक किताब नहीं। यहाँ पर एक्शन कमिंग का नया एडिशन नहीं है। पर तुम ऑर्डर दे सकते हो। लेकिन मुझे तो आज ही चाहिए थी। अगर तुम इंटरनेट से मंगवाओगे तो आज शाम तक तुम्हें बुक मिल जाएगी। लेकिन इंटरनेट पर किताबों की खुशबू नहीं आती। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यहाँ कितनी सारी किताबें हैं और इनकी खुशबू बहुत अच्छी है। पता नहीं अचानक मेरे पेट में गड़बड़ क्यों हो रही है, मुझे जाना होगा। जानते हो, मेरी मॉम हमेशा से ही स्टेशन के पास वाली शिताया बुक स्टोर में जाती है। शिताया बुक स्टोर? हाँ वही। ये वही बुक स्टोर है ना? हाँ वही है। वहाँ का कोकोनट मिल्क शेक बहुत ही टेस्टी होता है, अपना ड्रिंक पीते पीते वहाँ पर फ्री में बुक पढ़ सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है नानी, तुम सच तो कह रही हो ना नानी? लेकिन ड्रिंक के लिए पैसे देने पड़ते हैं, यानी देखा जाए तो इसमें ज्यादा पैसे खर्च होंगे। हाँ बिल्कुल। मैं आ गया आ गया। तुम लोग किस बारे में बात कर रही हो? शिताया बुक स्टोर के बारे में बता रही थी, वहाँ का मिल्क शेक बहुत फेमस होता है। हाँ, मेरी मम भी वहाँ पर हमेशा फ्री में किताबें पढ़ने जाती है। लेकिन फ्री में कुछ भी नहीं है। हाँ, वो मैंगो शेक भी रखते तो कितना अच्छा होता ना। मुझे तो चॉकलेट मिल्क शेक ही बहुत पसंद है। क्या कह रहे हो, बुक स्टोर में फ्री में किताबें पढ़ने देते हैं? मेरे ख्याल से ये उतना भी बुरा नहीं है। बुक स्टोर में फ्री में किताबें पढ़ने से मना करना चाहिए। मेरे डैड भी बहुत दयालु थे और खरीदे बिना ही किताबें पढ़ने दिया करते थे, लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें बहुत नुकसान हुआ और बुक स्टोर बंद करना पड़ा। अब मेरा मिशन है कि मैं बुक स्टोर में फ्री में किताबें पढ़ने पर पाबंदी लगा कर रहूंगी। इस बुक स्टोर को थोड़ा और अच्छे से सजाना चाहिए ताकि लोग इसे आकर्षित हो। हाँ, और आपको पॉइंट कार्ड भी रखना चाहिए। तुम मेरी बात सुनो,
और कस्टमर के लिए जैकपॉट रखने का आइडिया कैसा रहेगा? विनर को डिस्काउंट कूपन दे सकते हैं। बुक स्टोर के स्टाफ को कस्टमर्स को किताबें रिकमेंड करनी चाहिए। किताबों की जानकारी रखनी चाहिए। ओके ओके, तुम लोग कोई किताब नहीं खरीद रहे तो अपने घर जा सकते हो। मैम, इतना अच्छा मौका है, हमें यंग जनरेशन से एडवाइस लेनी चाहिए। यंग? ये नर्सरी जाने वाले छोटे बच्चे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम छोटे बच्चे हैं लेकिन हमें कम मत समझिए, वरना आपको बहुत देर हो जाएगी। ये तुम कैसी हरकतें करने लगते हो? सुनिए सुनिए, हमारे यहाँ राइटर की ऑटोग्राफ वाली बुक मिलती है। एहिं, किसे मेरी ऑटोग्राफ वाली किताब चाहिए? तुम्हें ये पसंद आया बेटा? पूरी ठीक है, लेकिन उतना असरदार नहीं लग रहा। तुम्हें ऐसा लगता है? ये टेस्टी है, लेकिन अगर आप कुछ हेल्दी देंगी तो और ज्यादा बेहतर होगा। क्या हेल्दी? हाँ, आप यहाँ स्मूदी दे सकती है। स्मूदी? एक भी कस्टमर नहीं आया। इस रास्ते पर लोगों की भीड़ दिखती ही नहीं। मैं बेकार ही इन बच्चों की बातों में आ गई। हमें इतनी जल्दी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमने सब कुछ करके देख लिया लेकिन फिर भी कोई नहीं आया, और अब हम क्या करेंगे? का भी बुक स्टोर आ रहा है नए अंदाज में। विंटर में लीजिए किताबों का मजा। आप अपनी किताबों का चुनाव खुद करें, देखें और फिर उसे खरीद लें। आप वहाँ टेस्टी स्मूदी भी पी सकते हैं, वहाँ जाकर आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। आपको एक बढ़िया पॉइंट कार्ड भी मिलेगा। बुक सेट खरीदने पर का भी बुक स्टोर में जरूर आइए। गलती मेरी ही है, मैं नर्सरी स्कूल के बच्चों की बातों में आ गई। आपकी बात सही है। आइए, आपका स्वागत है। आप रहस्यमय कहानी की किताब लेना चाहेंगे? ओह, तो आपको मेरी पसंद अभी तक याद है? जी हाँ, मैंने वहाँ कुछ बच्चों को आपके बुक स्टोर का प्रमोशन करते हुए देखा। प्रमोशन? उन बच्चों ने मुझे इस स्टोर के बारे में बताया, उनकी वजह से ही मैं यहाँ आया हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैपनी स्वीट पैन का मंथली एडिशन अवेलेबल है। सुनिए, क्या यहाँ सच में स्मूदी मिलती है? हाँ हाँ, अगर आपने बुक सेट खरीदा तो आपको ड्रिंक पर डिस्काउंट मिलेगा। हेलो, आपका स्वागत है। हेलो, मेरी ऑटोग्राफ वाली बुक ले लीजिए। आपका स्वागत है। कसमा, हमारा बुक स्टोर का प्रमोशन बहुत ही बेजवाब रहा है ना? लाजवाब कहना चाहते हो? ओह, ये स्मूदी बहुत स्वादिष्ट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इसे पैक कर दीजिए। जी जरूर। आप मेरी ऑटोग्राफ ले लीजिए।